नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। पाकिस्तान से भी जुड़े हैं कलंक के तार, लाहौर तक गए थे यश जौहर। क्या है कलंक से जुड़ी ये नई कहानी, आइए आपको बताते हैं। वेल, जैसा कि आप सब जानते हैं, साल 2019 की मच अवेटेड मूवी कलंक 17 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। मल्टी स्टार मूवी में वरुण धवन, आलिया भट्ट, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित और आदित्य रॉय कपूर लीड रोल में है। कलंक एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे बनाने का सपना करण जौहर के पिता यश जौहर ने 15 साल पहले ही देखा था। इस फिल्म के लिए यश जौहर ने काफी रिसर्च की थी। इस सिलसिले में यश जौहर पाकिस्तान भी गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कलंक आजाद भारत के पहले की कहानी बयां करती है। कलंक 1940 के दशक पर आधारित है। फिल्म का पाकिस्तान से खास कनेक्शन हो सकता है। दरअसल यश जौहर ने 1940 दशक के बारे में जानने के लिए काफी रिसर्च की थी, इसीलिए यश जौहर पाकिस्तान के लाहौर गए थे। खबरों के मुताबिक यश जौहर के लाहौर जाने का मकसद 1940 के पाकिस्तान को बेहतर तरीके से समझना था, ताकि वो सिल्वर स्क्रीन पर 40 के दशक को बेहतर तरीके से दिखा पाए। फिल्म में हिंदू मुस्लिम एंगल भी दिखाया गया है। इस बात का जिक्र करण जौहर ने अपनी किताब एन अनसुटेबल बॉय में किया था। अपनी बायोग्राफी में करण जौहर ने लिखा था, फिल्म दो घरों की कहानी है जिसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है। ये एक बहुत मजबूत विषय है और इसे कलंक नाम से रिलीज किया जाएगा। बता दें, यश जौहर ने कलंक के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया था, लेकिन किसी वजह से फिल्म ठंडे बस्ते में डालनी पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले कलंक की स्टारकास्ट बिल्कुल अलग थी। कलंक के लिए करण जौहर, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, काजोल और अजय देवगन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ये कास्ट फाइनल नहीं हो पाई। फिर करण जौहर ने शाहरुख और रणबीर कपूर के साथ मूवी बनानी चाहिए, लेकिन ये भी संभव नहीं हो सका। और अब इसके बाद ये नई स्टारकास्ट आप सबके सामने है। कलंक एक पीरियड ड्रामा मूवी है जिसमें सालों बाद माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की जोड़ी नजर आ रही है। ब्रेकअप के बाद से दोनों ने कभी एक दूसरे का सामना नहीं किया, लेकिन अब लगता है दोनों अपने पुराने गिले शिकवे भुला चुके हैं। कलंक में आलिया भट्ट, वरुण धवन की जोड़ी एक बार फिर स्क्रीन पर नजर आएगी। दोनों स्टार्स की जोड़ी हर बार फैंस का दिल जीत ले जाती है। करण जौहर के ड्रीम प्रोजेक्ट कलंक का बजट करीब 85 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन करीब 23 करोड़ की कमाई कर सकती है। वैसे भी मूवी को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच बहुत ज्यादा क्रेज बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।